जंगल में कई सारे खरगोश और चूहे खड़े आपस में बात कर रहे थे। यारो, हमारे इलाके में अपना खाना रहा ना पानी, आने वाले दिनों में हम खाना और पानी की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? इसमें चिंता की क्या बात है, आसपास से कर लेंगे। हमें आसपास के इलाकों में जाने की अनुमति नहीं है। आसपास का इलाका ना सही, जंगल के बाहर तो खाने की तलाश कर सकते हैं ना। और बाहर के इलाके में जाना खतरे से खाली नहीं है। अरे खतरों से क्या डरना, अपन तो खतरों का खिलाड़ी है। चिंटू भाई, ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा। तुम कहते हो तो हम जंगल के बाहर जाने को तैयार हैं। सबके अपने अपने इलाके थे, इसलिए जंगल में कानून था कि कोई किसी के इलाके में नहीं जा सकता, मगर इलाके में खाने पीने की कमी की वजह से सब परेशान थे। चलो दोस्तों, खाने की तलाश में जंगल के बाहर चलते हैं। हाँ चलो। सारे खरगोश और चूहे चलकर दूसरे जंगल में जाते हैं, मगर वहाँ भी जानवर और पक्षी तो रहते ही हैं। इस जंगल में हर जगह प्राणी बसे हुए हैं, अब खाना कहाँ से ढूंढेंगे? जिंदा रहना है तो जगह जगह घूमकर खाना ढूंढना पड़ेगा। पर ये जंगल तो कितना बड़ा है, खाना ढूंढने कहाँ कहाँ जाएंगे? चलते रहो साथियों, आगे कोई अच्छा इलाका मिल ही जाएगा। सारे खरगोश और चूहे खाने की तलाश में जंगल में घूमने लगते हैं, मगर रात होने पर भी उन्हें खाना नहीं मिलता है। रात हो गई, क्या आज भी भूखे ही सोना पड़ेगा? सब मायूस होकर वहीं जमीन पर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे चिंटू खरगोश नींद से जागता है तो उसे दूर सामने एक छोटा सा तालाब दिखाई देता है। वाह, पानी मिल गया, साथियों उठो देखो हमें पानी मिल गया, हे हे। सब नींद से जाकर तालाब को देखने लगते हैं। साथियों चलो तालाब पर जाते हैं। ठहरो, हमें वहाँ जाने से पहले पता लगाना होगा कि वो किसी का इलाका तो नहीं है। भोरा सही बोलता है, जंगल का कानून है, कोई किसी के इलाके में नहीं घुस सकता। अरे पर ये तो दूसरा जंगल है, क्या वो कानून यहाँ भी हो सकता है? जो होगा देखा जाएगा, चलो तो सही। अगर ये इलाका किसी का ना हुआ फिर हमारा इलाका बन जाएगा, सही है ना? फिर सभी तालाब की ओर जाने लगते हैं, पर सब जैसे ही तालाब के पास पहुंचते हैं तो तालाब के उस पार से कई सारे कछुओं की टोली वहां आ जाती है। कौन हो तुम सब और यहाँ हमारे इलाके में क्यों घुस आए हो? हम सब खाने की तलाश में आए हैं। पर यहाँ का खाना हमारे लिए है, चलो निकलो यहाँ से। ए कछुए, ज्यादा शान पट्टी नहीं दिखाने का, समझा गया? चल जल्दी से कछुओं की बारात लेकर निकल इधर से। और अगर हम नहीं गए तो क्या कर लेगा? तो मार मार कर सबको लाल पीला कर दूंगा। ए छिले हुए गाजर के सड़े हुए छिलके, ये हमारा इलाका है, चलो निकलो यहाँ से। दोनों में बहस होने लगती है। रुक जाओ दोस्तों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो आपस में? देख कछुए, हम जानते हैं ये इलाका किसी का नहीं है, यहाँ तुम और हम सभी अभी अभी आए हैं। मगर हम तुमसे पहले यहाँ आए हैं, इसीलिए ये इलाका हमारा हुआ। नहीं, ये इलाका हमारा है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा है, हम सबसे पहले यहाँ आए हैं। पहले हम आए हैं। तभी कछुए खरगोश और चूहों में बहस होती है। देखो हम सब जानते हैं कि ये इलाका किसी का नहीं है, पर हम सब इस इलाके को हासिल करना चाहते हैं, है ना? हाँ। पर हम चाहते हैं कि इलाके का मालिक बल से नहीं बुद्धि से तय किया जाए। बुद्धि से? वो कैसे? कछुए बुद्धू होते हैं, मैं इनसे रेस लगाऊंगा और रेस में इन्हें हरा कर बिना लड़े ही ये इलाका जीत लूंगा। शातिर भोलू कछुए से कहता है। देखो मैं चाहता हूँ खरगोश और कछुए के बीच रेस हो जाए, जो जीतेगा इलाका उनका हो जाएगा। कछुए बिना सोचे कुछ भी कह देते हैं। हमें मंजूर है। दोनों पार्टियों से एक एक प्राणी भाग लेने के लिए आगे आते हैं। अपनी पार्टी से मैं इस रेस में हिस्सा लेता हूँ, मैं इस कछुए को आसानी से हरा दूंगा। चुप बैठ चूहे, ये रेस बच्चों का खेल नहीं है, अपनी पार्टी में से इस रेस में मैं ही हिस्सा लूंगा। अरे तुझे लगता है कि तू हमें हरा देगा? हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। बच्चे ये हम रेस लगा कर ही देख लेंगे कि कौन जीतता है। हाँ हाँ देख लेंगे। कछुआ और खरगोश रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। लाल कछुआ और चिंटू खरगोश दोनों सड़क पर आसपास खड़े हो जाते हैं। देखो जो भी उस इलाके का पूरा चक्कर लगा कर सबसे पहले यहाँ लौट कर आएगा वो रेस जीत जाएगा। हमें मंजूर है। कुछ ही देर में रेस शुरू हो जाती है। चिंटू खरगोश बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगता है और लाल कछुआ धीरे धीरे रेंगते हुए जाने लगता है। भाग लाल सिंह भाग, भाग लाल सिंह भाग। वाह चिंटू क्या बात है, और तेज भाग चिंटू और तेज।
रेस में चिंटू खरगोश बहुत आगे निकल चुका होता है। ये देख भोलू कहता है, ये रेस तो पक्का हम ही जीतेंगे, देखो चिंटू कितनी आगे निकल चुका है। खरगोश कछुए से काफी आगे निकल चुका था। चिंटू एक जगह रुककर पीछे मुड़कर देखता है, ये लोकल गाड़ी मुझसे क्या जीतेगी, दूर दूर तक तो नजर ही नहीं आता। अपनी दौड़ पर घमंड करते हुए खरगोश सोचता है, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, कछुए को मुझ तक पहुँचने में शाम हो जाएगी। चिंटू खरगोश एक पेड़ के नीचे निश्चिंत होकर सो जाता है और लाल कछुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है। उधर खरगोश और चूहे चिंटू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। ये चिंटू अभी तक आया क्यों नहीं? हाँ, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। ये कछुए को हराना तो खरगोशों के बाएं हाथ का खेल है। उधर लाल कछुआ धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा होता है। खरगोश अपनी तेज रफ्तार के अभिमान में आराम से सो रहा होता है। तब लाल कछुआ रेस जीतने के इरादे से आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा होता है। थोड़े ही समय में कछुआ खरगोश से आगे निकल जाता है। अब शाम होने को आई थी, तभी अचानक चिंटू खरगोश की आंख खुलती है। अरे बाप रे, शाम हो गई, कहीं मेरे सो जाने के बाद ये कछुआ मुझसे आगे तो नहीं निकल गया। खरगोश तेजी से दौड़ते हुए कछुए के आगे निकल जाता है और एक बार फिर घमंड से कहता है, अबे लोकल गाड़ी, तो मुझसे सात जन्म में भी नहीं जीत सकता। दौड़ते हुए खरगोश काफी दूर निकल जाता है और फिर एक बार अहंकार से सोचता है, जैसे शेर अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मारता है, वैसे ही मैं इस कछुए को बड़ा जलील करके रेस हराऊंगा। एक काम करता हूँ, एक बार फिर से यहाँ सो जाता हूँ, एक बार और कछुए को आगे निकलने देता हूँ, फिर उसे आसानी से हरा कर अपनी महानता साबित कर दूंगा। अपनी रफ्तार के अहंकार में खरगोश एक बार फिर सोने का निर्णय लेता है। सोने से पहले मैं रास्ते में कुछ कांटे और डालियां बिछा देता हूँ, ताकि अगर मैं सो भी जाऊँ तो कांटे और डालियां उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ठंडी हवा के कारण खरगोश को गहरी नींद आ जाती है। उधर कछुआ आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा होता है। खुद की रफ्तार तेज हो या धीमी, अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि जीतता वही है जो मंजिल को पाने की चाह रखता है। चिंटू खरगोश को अपनी तेज रफ्तार का काफी घमंड रहता है। उसी घमंड के चलते वो पेड़ के नीचे आराम कर रहा था और ठंडी हवाओं के झोंकों ने उसे गहरी नींद में सुला दिया था। तभी कछुआ एक बार और उस तक पहुंच जाता है। कछुआ रास्ते पर पड़े कांटों और डालियों को देखकर सोचता है, ये जरूर उस खरगोश की शरारत होगी। कछुआ आहिस्ता से सारी डालियां हटाकर खरगोश के सामने से चुपचाप निकल जाता है और काफी आगे चला जाता है। रात होते होते कछुआ रेस जीतने के काफी करीब पहुंच जाता है। तभी चिंटू खरगोश की आंखें खुल जाती हैं। आइला, रात हो गई, मुझे तेजी से दौड़ना होगा, कहीं ये कछुआ रेस न जीत जाए। अपनी गलती का एहसास होते ही खरगोश तेजी से दौड़ने लगता है। दौड़ते दौड़ते दूर से देखता है कि कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ जीत की रेखा के करीब था। अरे ये कछुआ वहाँ तक कैसे पहुँच गया? चिंटू खरगोश तेजी से कछुए की ओर बढ़ने लगता है। उसे देख सारे कछुए कहते हैं, भाग लाल सिंह भाग, खरगोश तेरे पीछे ही है। और तेजी से भागने के चक्कर में खरगोश का पांव फिसल जाता है और वो रास्ते पर ही गिर जाता है। मेरा पैर! इधर कछुआ धीरे धीरे विजय रेखा के करीब पहुंचने लगता है। अरे चिंटू, जल्दी उठ, जल्दी भाग, नहीं तो हम लोग हार जाएंगे। खरगोश जैसे तैसे उठकर सीमा रेखा की ओर भागने लगता है, पर कछुआ सीमा रेखा के बिल्कुल करीब होता है। जैसे ही खरगोश कछुए के करीब आता है, कछुआ सीमा रेखा को पार करके रेस जीत जाता है। मैं जीत गया, मैंने खरगोश को हरा दिया। हे, 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 हम जीत गए, हम जीत गए। ये देखकर खरगोश और चूहे खूब रोने लगते हैं, जिसके बाद वो इलाका कछुओं का हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये सबक मिलता है कि आलस इंसान को बर्बाद करती है और मेहनत इंसान को मंजिल तक पहुंचाती है। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।